कैफे ग्रीन स्पॉट से अच्छा है। आप लोगों को पता चले इस अंडररेटेड प्लेस के बारे में, बताया कि अच्छा रिस्पांस मिला रील के बाद, यहाँ पे एस्थेटिक शॉट्स, हमारा व्लॉग शूट नहीं हो पाया था। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Pratiksha. तो कैसे हैं आप लोग? Finally, I am back to explore one more restaurant, kind of cafe. Cafe है basically ये पूर्णिया में हमारे, जो कि नया खुला है, कुछ 3-4 महीने पहले खुला है आई गेस, एंड ये होली के बाद खुला है बाय द वे। इसका जो लोकेशन है मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ है, कैसा है। बाय द वे ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ मैं इसका लोकेशन का कि कहाँ है एक्चुअली में। ये कॉलेज चौक रोड से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको एक रोड दिखाई देगा, आप एक चौधरी ग्रीन करके मैरिज हॉल है, बैंकेट हॉल है, उसके ही अंदर ये वाला कैफे खुला है। एंड कम एंड एंजॉय द व्यू हियर एंड विल रिव्यू इट फॉर यू गाइस कि कैसा लगता है हमें, एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू। तो गाइस ये है हमारा, हम जो रंगूमी चौक से कॉलेज चौक वाले रोड पे आते हैं, आपको ये वाला मैरिज हॉल दिख जाएगा, बैंकेट हॉल दिख जाएगा। ये बेसिकली अंदर में एक बैंकेट हॉल भी है एज वेल एज कैफे भी है, जिसका मैरिज हॉल और या फिर बैंकेट हॉल का जो एंट्रेंस है वो उधर से है, एंड जो कैफे ग्रीन है हमारा उसका एंट्रेंस इधर से है। लेट्स एंटर एंड टेल इट टू यू गाइस कि कैसा लगता है हमें ये वाला कैफे। पूरा रिव्यू मिलेगा आपको इस वाला कैफे का हमारे व्लॉग में, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड एंजॉय द मोमेंट एंड वाइब हियर। क्यूरीज अ फ्यू इंचेस लेटर। तो गाइज मैं कह रही थी, मैंने ना जब इसका रील डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, जब भी स्टोरी डाला था, तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि ये वाला कैफे है कहाँ एक्चुअल में। हम उस दिन आए थे बेसिकली व्लॉग शूट करने, बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन हमारा व्लॉग शूट नहीं हो पाया था उस दिन, बट मैंने रील शूट किया था, मैंने पिक्चर्स खिंचवाए थे एंड वी हैड अपलोडेड दैट एंड यू गाइज लव्ड इट। तो हमें आज व्लॉग करने आना ही था, तो हमने सोचा कि जरूर आते हैं व्लॉग करने एंड वी आर व्लॉगिंग इट फॉर यू गाइज टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। एंड आप लोगों को पता चले इस अंडररेटेड प्लेस के बारे में, जानो आप एंड पता चले कि कितना अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है ये वाला प्लेस एंजॉय करके? You're loving exploring this place? Of course, I do. बहुत ही underrated cafe था, हमें नहीं पता था इसके बारे में। And उधर आपका banquet hall का है, and इधर आपका छोटा सा प्यारा सा aesthetic सा cafe है, जो कि बहुत सुंदर है।
यहाँ पे आप शादी पार्टी में भी हॉल, बैंकेट हॉल बुक करवा सकते हो, पूरा अरेंजमेंट दिया गया है यहाँ पे। एंड वहाँ पे एस्थेटिक शॉट्स लेने का प्रयास चल रहा है प्रीति मैम के द्वारा। वी आर सो मच एक्साइटेड कि हमने ये वाला प्लेस ऐसे पहली बार, मतलब ऐसे इतने लोगों को पता चला हमारे वजह से। मुझे जब पता चला कि इन लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब इन लोगों को, इन्होंने मुझे बताया कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला रील के बाद। थैंक यू सो मच टू यू गाइस कि आप लोगों ने विजिट किया। एंड प्लीज विजिट आफ्टर द व्लॉग ऑल्सो, ऑफकोर्स विजिट करना ही होगा आपको। दे हैव द विजन ना, या दे शुड विजिट। लेट्स गो इनसाइड कैफे प्लस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सब चीज बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। ज्यादा ठंडा हो जाएगा, चलो बाबू। हाँ तो चलो, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर यहाँ का सब। वर्चुअल एक्सप्लोर इट फॉर यू गाइस, कीप ऑन वॉचिंग एंड एंजॉय। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस कैफे फॉर यू गाइस। आई एम सो 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 एक्साइटेड एंड आई होप यू गाइस आर टू, माय फ्रेंड्स, माय क्यूटीज। कैफे ग्रीन स्पॉटेड इन प्रतीक्षा भगत ब्लॉग, फाइनली ये बचपना करते हुए। A few inches later. तो गाइस यहाँ से आपको एंटर होना है एंड है ये विल गेट अ गुड मॉकटेल कॉर्नर, या फिर यू कैन से यहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हो। यहाँ पे आप ना आके एंड यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक्स। यहाँ पे दो दो चेयर भी लगा हुआ है, एज वेल एज तीसरा चेयर वहाँ पे आपका। एंड दिस इज अ वेरी गुड एस्थेटिक प्लेस टू वाइब। यू कैन ऑलरेडी सी द वाइब है, यू कैन सी द एस्थेटिक वाइब जो कि ये वाला कैफे दे रहा है। यू कैन ऑलरेडी सी गाइस एंड आई होप यू कैन एंजॉय द वाइब्स फ्रॉम my vlog, through my vlog, and please come visit here. You will see the good vibes and enjoy the vibes from here. And यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 50 लोगों का प्लेस आराम से मिल जाएगा, 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे आके। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कैफे बनाया गया है। 12 चेयर टेबल इधर है, 12 चेयर टेबल उधर है एंड यू कैन एंजॉय द वाइब। क्या ही एस्थेटिकली इसको डिज़ाइन किया गया है यहाँ के ओनर के द्वारा, यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा, बहुत ही प्यारा है। एंड यू कैन सी द मेन्यू एंड आप रेट्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का पूरा फेवरेट आइटम यहाँ पे दिया गया है। सैंडविच का आइटम दिया हुआ है, वेज एंड नॉन वेज सब कुछ अवेलेबल है। रोल्स के ऑप्शन है, नूडल्स भी है, एज वेल एज यू कैन सी कॉफ़ी एंड टी के ऑप्शन, पकौड़ा के ऑप्शन, 5 मिनट स्टार्टर्स जो भी आपको ट्राई करना है यू कैन ट्राई इट। यहाँ पे स्नैक्स के आइटम्स ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि दिस इज़ अ कैफे, तो प्लीज़ विजिट हेयर एंड यू विल एंजॉय द वाइब। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय द वाइब हेयर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइज वी हैव आवर पनीर रोल विद मी एंड शी इज़ रिकॉर्डिंग देयर। एंड आपने आधा खा चुका है, बताओ आपको कैसा लगा, हाउ मच विल रेट इट? बिकॉज इट डिजर्व्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इट इज़ वेरी 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 अंडर रेटेड। यू शुड कम एंड हैव इट, बहुत अच्छा है। एंजॉय क्यूटीज, कम ऑन लेट मी ट्राई इट नाउ। काफी ज्यादा अच्छा है, हमें अच्छा लगा। एंड वी हैव आर कोल्ड कॉफी, हमारा फेवरेट कोल्ड कॉफी। आज हम चाय नहीं पी रहे भाई, तभी यहाँ का चाय भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक्साइटेड टू ट्राई, ट्राई इट फर्स्ट, गो ट्राई। अच्छा है, सही है, नाइस। चलो हम लोगों को स्ट्रांग गाइस, आई एम ट्राइंग आउट कोल्ड कॉफी ऑफ हेयर, लेट्स सी कि कैसा लगता है। अच्छा है, नॉट सो स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग नहीं है, मुझे नहीं लगा। हमको लगा, नहीं मुझे नहीं लगा इतना स्ट्रांग। ओके डीसेंट, अच्छा लगा, आई लाइक इट, आई विल गिव इट अ गुड 3.5 out of 5 क्योंकि इसका ग्लासेस में और इम्प्रूवमेंट हो रहा था एंड होगा बहुत ही जल्द। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट वेरी सून। सो गाइस नाउ वी आर ट्राइंग दिस क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न, जो कि थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि हम इसका पिक्चर्स ले रहे थे, थोड़ा शूट वूट करने में ठंडा हो गया। लेट्स ट्राई, दैट्स आवर फॉल्ट, नॉट देयर फॉल्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, आई रेट इट अ गुड 4.5 out of 5 क्योंकि ये ठंडा हो गया इसलिए थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, वैसे नॉर्मली बहुत अच्छा है। सारा खा लिया इसने, सारा हैंगओवर हो गया है गाइस, वो भी नशा आ रहा है हमको। We have with us Gullar Kebab and we will try it. Don't think कि सावन में हम लोग कुछ कबाब खा रहे हैं, वैसे भी मैं वेज हूँ तो कुछ भी नॉन वेज नहीं है ये। This is made up of paneer. We will try it and tell it to you guys कि कैसा है ये actually में। Please try बाबू, बाबू try, but don't cry.
इनका फेस का एक्सप्रेशन से कुछ पता चल रहा है। कुछ ऐसा ट्राई किया था कभी? बर्स्ट हो रहा है फ्लेवर्स। ओह नाइस, बहुत सही है। रेटिंग्स दो, 5 out of 5। 4.5। सब चीज में रेटिंग 4.5। ये लोग कहेंगे ये लोग बायस्ड हो गए हैं यहाँ पे आके। नहीं गाइस, ये सचमुच जेन्युइन रेटिंग है हमारा। कुल्लड़ का क्या कर दी, कुल्लड़ बना दी इसे। कैसा लगा? अच्छा था। हाउ मच विल रेट? मैंने इसको, मैंने पहली बार कुछ ऐसा ट्राई किया है। कुल्लड़ का नाम सुन के मेरे को तो वो पेड़ वाला कुल्लड़ याद आया पहली बार, बट बहुत ही मिक्स ऑफ फ्लेवर था, अच्छा लगा। आई विल आल्सो रेट इट अ गुड 4.5 out of 5 बिकॉज़ इट डिजर्व्स, माय फ्रेंड, इट डिजर्व्स। थम्स अप फॉर दैट। गाइस यू कैन सी, पता नहीं इसमें क्या है बट इट इज नाइस भाई, अच्छा लगा मुझे। किस चीज़ का ये मिक्सचर है, I don't know, but it is mini kebab, cute सा। Later. शाम में you can see the vibe of the cafe, कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। आप आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठ के chill will कर सकते हो, बहुत ही मजे कर सकते हो। And here is the whole cafe review vibe, जो तुम कह लो। Please come visit here and do try the cafe once and tell me कि कैसा लगा तुम्हें। You can see शाम में कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये थोड़ा सा मैं इसका brightness बढ़ा रही हूँ, आप देखो ये पूरा area, you can see। बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा। प्लीज़ कम विजिट गाइज, दिस इज सच एन अंडररेटेड कैफे। बहुत ही प्यारा रिस्पांस मिला है हमारे रील के बाद, एंड आई होप कि हमारे व्लॉग के बाद भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।